कंटेस्टेंट से प्यार था। अब यहाँ ज़्यादा घुमा फिरा के बात ना करूँ, मैं सिंपल बात करूँ कि यूके ने एल्विश को वन साइडेड सपोर्ट किया, जिसके बाद फुकरा का कुछ फैंडम है जो इस बात पे नाराज़ है और इस तरीके के ट्वीट कर रहा है जो मैं देख रहा हूँ, और वन साइडेड सपोर्ट कर रहा है मुनावर को। और उनका रीज़न ये है मुनावर को सपोर्ट करने का कि यूके ने एल्विश को नहीं किया था। तो नहीं भाई, चूतियापा कर रहा, तुम तहलका प्रैंक को कर दो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, ठीक है? तुम किसी को भी कर दो जो ठीक ठाक विचारधारा का या न्यूट्रल आदमी, कोई कोई बुराई नहीं। फुकरा के जो फैन बेसेस हैं उसमें तो मतलब मैं उस पे ही बात करता हूँ भाई। हिंदू तो होंगे ना भाई, तो तुम्हारे भगवान है ना, प्रभु श्री राम माँ सीता तो भगवान है, ठीक है। उनका मजाक, उनका इंसल्ट किया मुनव्वर फारूकी ने, और ठीक है भाई, बनता है तुम लोगों का। मतलब गुस्सा मान लो जायज अगर है तुम हेट, मेरे को भी। एक सेकेंड, तुम लोग जो भी फुकरा फैंस अगर सुन रहे हैं भाई, तो अगर तुम अनुराग से नाराज हो इस चीज के लिए कि उसने सपोर्ट नहीं किया, तो भाई ठीक है, तुम्हारा जायज बनता है। लेकिन अगर तुम इस वजह से मुनव्वर फारूकी को सपोर्ट कर रहे हो, जिसने हिंदू गॉड्स का मजाक उड़ाया, हिंदू गॉड्स का इंसल्ट किया, 2002 में जिन हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया मुसलमानों के द्वारा, उसका मजाक उड़ाया मुनव्वर फारूकी को ने, और उसको तुम सपोर्ट इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम अनुराग के अगेंस्ट हो, तो भाई तुमको चेक करना चाहिए कि तुम्हारा खतना हुआ है कि नहीं, ठीक है। एक और इस सीधी चीज़ बात में ऐड, एक चीज़ और प्लीज़, रैंडम, आई रियली सॉरी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। एमसी स्टैन जब था फिनाले में या जो भी था, तो कुछ लोग उसको सपोर्ट करने आए थे, और नो डाउट मैं उनकी इज्जत बहुत किया करता था, लेकिन आज से मेरी इज्जत इसलिए उतर गई क्योंकि वो एक पर्टिकुलर आदमी को सिर्फ इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो उनके रिलीजन का है, दैट्स इट, ठीक है? तो ये मतलब ये कितना बड़ा चूतियापा है कि उसे नहीं पता कि वो आदमी क्या मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता किसी को पता ना हो यार, मुनावर इतनी कंट्रोवर्सी में रहा, इतना जेल गया, तो ऐसा चूतिया कोई नहीं जिसको ये नहीं पता हो कि उसने क्या करा पास्ट में, ठीक है? लेकिन उसके बाद भी सिर्फ वो सेम कास्ट का है, सेम रिलीजन का है, इस बात पे तुम सपोर्ट कर रहे हो, तो तुमसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है, क्योंकि तुम सीरियसली इसलिए उसको हेट कर रहे हो जस्ट बिकॉज उसने फुकरा को सपोर्ट नहीं किया था। अब जब अगर यही वाली बात आ रही है तो फिर भाई ठीक है, यही चलने दो, फिर हम अपने वाले को वन साइडेड सपोर्ट भाई करेंगे भाई, अगर फिर ये मैं तो जो भी जी। वाइल्ड कार्ड आएगा ना, मैं उस पर सपोर्ट एक सेकेंड, करूंगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। यहाँ पे कल का लौंडा भाई है, इनको एक नहीं बार ऐसा, लो नॉर्मल, नहीं अब बस, अरे भाई नॉर्मली बात करेंगे, ऐसे कोई वो थोड़ी। कल नहीं का ऐसा तो लौंडा नहीं भाई, करूंगा, तुम तो हिंदू हो ना भाई, ठीक है। नहीं नहीं मैंने वही करूंगा। जो अभी चीज बोली कि अनुराग ने वैसे स्टोरी डाली थी, एल्विश के जाने से पहले भी फुकरा को सपोर्ट किया था और जाने के बाद भी फुकरा को सपोर्ट किया था। लेकिन अब उस चीज में ये हो जाता है भाई कि अब उसने डाली कल का, इनका नाम क्या है, कल का नॉर्ना भाई, तुम्हारा नाम क्या है? अभिजीत कन्नौजिया, अभिजीत कन्नौजिया। हाँ अभिजीत भाई, वही चीज। मेरा कहना जो है, अग्री करते हो या नहीं करते हो बताओ भाई भाई। मैं तो ये सीजन ही फॉलो नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं अपनी चीजों में अभी व्यस्त हूँ, तो मैं तो देख नहीं रहा हूँ। नहीं, मैं ऐसे ही तुम आपसे ओपिनियन ले रहा हूँ। सीजन ठीक है, हम भी नहीं फॉलो कर रहे, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं भी नहीं देख रहा हूँ, और टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत ही ज्यादा बोरिंग है ये बिग बॉस, मैं क्लियर बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, ठीक है। पहले जैसी बात नहीं रही। लेकिन जो मैंने बोला कि आपने बहुत पूरा, जैसे फुकरा का पूरा फैंडम ऑलरेडी मतलब बहुत ज्यादा वो किया, नहीं तो नहीं हमने आप बस ये वैसे चीज ही बताओ। सपोर्ट किया रैंडम भाई, जैसे सम्राट भाई अब ये अनुराग भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे हमारा भी रिश्ता है अभिषेक भाई से, वैसे जैसे सम्राट भाई का अनुराग भाई से, तो बस उसी के लिए हमने सपोर्ट किया था अभिषेक भाई को, बाकी और कोई सीन नहीं भाई। अब मैं आप एक तो बात खान बताओ जादी को भाई, सपोर्ट कर रहा हूँ आसाम से, मैं कल पोस्टर लगाने जा अब एक रहा बात बताओ, एक सेकंड भाई, न्यूज़ पर अब एक बात बताओ, हूँ। मैं मतलब ऐसा हेट में नहीं पूछ रहा, मान लो केकेएल भाई फुकरा को सपोर्ट किए, और नो डाउट रैंडम ने नहीं किया फुकरा को सपोर्ट, उसने एलविश को किया, मान लो कल को अभिजीत भाई चले जाते हैं इसमें बिग बॉस में, और सामने चला जाता है मान लो मुनावर जैसे ही कोई एंटी हिंदू स्टैंड अप कॉमेडियन, तो अब भले ही मेरी एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, ऐसा नहीं मेरी अभिजीत से बात नहीं होती, नो डाउट होती है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, तो अभिजीत ने मेरे क्रिएटर को नहीं किया या रैंडम को सपोर्ट नहीं किया, तो क्या मैं इतना हेट्रेड अपने अंदर ले आऊंगा कि मैं अभिजीत को हराने के लिए उस स्टैंड अप कॉमेडियन को नहीं सपोर्ट नहीं कर भाई, दूंगा? ऐसा नहीं है। लॉजिकली अपना सम्राट भाई से तो रिश्ता बहुत पुराना है अपना भाई। अरे नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ ना, कोई भी इंसान सिर्फ इसलिए अनुराग के खिलाफ नहीं बोलेगा ना कि भाई उसने फुकरा को नहीं, तुम ये समझो ना तुम किसका सपोर्ट कर रहे हो, तुम मैं कह रहा हूँ किसी का भी कर दो, तहलका का कर दो भाई,
तुम उसका क्या नाम है जो भी आया अभिजीत भाई, मुझे जानना है आपने फुकरा को सपोर्ट किया था तो फुकरा फैंडम में या जो भी आप दोस्त हो उसके, तो फुकरा फैंस मतलब सीधे मुनव्वर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं ऐसे ही आपसे जानना चाहता हूँ कि अभिषेक भाई ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो क्या बोलते हैं, जो हमारे थे नहीं, हमारे जितने भी बच्चे थे जिनको मैं जानता हूँ वो अंकिता लोखंडे को सपोर्ट कर रहे हैं या कोई कोई प्रैंकस्टर है क्या? अच्छा आप एक चीज बताओ, आप एक चीज बताओ, मुझे पर्सनली आपसे जानना है मतलब बस आपका ओपिनियन कि आप नहीं, हम मुनव्वर को सपोर्ट नहीं करेंगे भाई। बहुत बढ़िया, बस एक किस चीज के लिए, मतलब ये जो मैंने बोला है इस चीज पे स्टैंड लिया है उस चीज के लिए या किसी और चीज? वही चीज रैंडम भाई, मतलब आप इस चीज से अग्री करते हो? हमने भी देखा है कि मुनव्वर फारूकी ने हिंदू गॉड्स का मजाक उड़ाया था। रैंडम भाई बोलो। अच्छा पहले सम्राट भाई एक चीज भाई, हम लोग को हमको क्लियर भाई, मेरे बाप लोग कर भाई एक क्लियर करने, तो उसके बाद बतियाना तुम लोग। अभिजीत भाई आप इस चीज से अग्री करते हो, मतलब आपने ये चीज को नोटिस किया है कि मुनव्वर फारूकी ने इंसल्ट किया हिंदू गॉड्स को? हाँ हम नहीं करेंगे भाई सपोर्ट। बस यही जाना था भाई, रिस्पेक्ट है एटलीस्ट तुम्हारे लिए, रिस्पेक्ट है कि भाई तुम स्टैंड ले इस चीज पे हो भाई एटलीस्ट। और मुझे शर्म आती है उन लोगों पे, मैं इस चीज से बिल्कुल अग्री करता हूँ भाई कि फुकरा के फैंस अगर नाराज हैं बिल्कुल जस्टिफाइड है भाई, ठीक है तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर को अगर किसी ने सपोर्ट नहीं किया तुम सपोर्ट मत करो, लेकिन उसके अगेंस्ट जो एंटी हिंदू खड़ा है, जिसने तुम्हारे भगवान को, जो तुम्हारे माँ बाप से सबसे ऊपर है भगवान, हिंदू गॉड्स तो भगवान तो हमारे आराध्य जो है वो हमारे माँ बाप से हम सबसे ऊपर है ना भाई, उसका जिस अधर्मी ने मजाक उड़ाया तुम उसको इसीलिए सपोर्ट कर रहे हो क्योंकि तुम सामने वाला उसके अपोजिट वाला बंदा तुम्हारे क्रिएटर को सपोर्ट मतलब किया भी था, वो भी स्टोरी डाला था, लेकिन वो ज्यादा स्टोरी, एक होता है दोस्त और एक होता है बेस्ट फ्रेंड, मतलब समझ जाओ कि भाई एक इंक्लिनेशन तो होता ही है, सम्राट हो गया चाहे कोई और दूसरा बंदा हो गया, तो मेरा एक अब जैसे सम्राट और लक्ष्य में मैं मुझे चूज करना होगा तो मैं सम्राट को चूज करूंगा, सीधी बात है, मेरा इंक्लिनेशन सम्राट के लिए है ज्यादा, मेरी बात सम्राट से ज्यादा होती है, तो सम्राट और लक्ष्य अगर बिग बॉस में चला गया तो मैंने दोनों के लिए डाल दिया, जब सम्राट नहीं गया था तब मैंने लक्ष्य के लिए डाल दिया और जब सम्राट आया तो मैंने दोनों के लिए डाला और ज्यादा सपोर्ट सम्राट को कर दिया, आप समझ रहे हो? तो भाई यही रिक्वेस्ट है जितने भी लोग इस चीज के लिए सपोर्ट कर रहे हैं मुनव्वर फारूकी को, भाई थोड़ा अपने अंदर जमीर देख लो, झांक लो अपने अंदर कि किसको सपोर्ट कर रहे हो। सही बात सम्राट ने बोला, तहलका को कर दो भाई सपोर्ट, किसी और को कर दो भाई, इवन पता है आप लोग को नहीं पता होगा क्योंकि आप लोग इस सब चीज में रहते ही नहीं हो, आप लोग के लिए मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये धर्म अपने धर्म से कोई प्यार ही नहीं है, मतलब ही नहीं है भाई। इवन वो जो पता है सम्राट भाई क्या नाम है उस बंदी का, वो पवित्र रिश्ता वाली अंकिता जैन लोखंडे उसने राम मंदिर का मजाक उड़ाया था, मैंने बांस करके उन दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, उसका जो दूसरा बंदा जैन है कोई बॉयफ्रेंड, उस दोनों को बांस किया था अच्छे से, तब उससे रील डिलीट करवाई थी, मैं कल वो पोस्ट भी कर दूंगा। तो भाई करना है आपको तहलका प्रैंक को कर दीजिए, किसी और को कर दीजिए, लेकिन भाई मतलब मुनव्वर को मत करो भाई प्लीज, एटलीस्ट थोड़ी इज्जत अपने भगवान की कर लो, एटलीस्ट अपने भगवान की इज्जत कर लो भाई, हिंदू ही हो नहीं तो भाई चेक करो, बाथरूम में जाके चेक करो कि खतना हुआ है कि नहीं, ठीक है तब चल तब कर लेना भाई मुनव्वर को सपोर्ट। बाकी अरे बहुत अच्छा ये शायरी करता है बहुत अच्छा, हाँ भाई ठीक है शायरी कर देता है तो तुम्हारे भगवान, तो फिर इसका मतलब ये चीज समझो भाई, तुम अगर अपने माँ बाप के अगेंस्ट कुछ नहीं, अगर मैंने किसी के माँ बाप को गाली दे दी तो क्या तुम झेल पाओगे? नहीं झेल पाओगे, तो भाई उसने तो तुम्हारे भगवान को, तुम्हारे माँ बाप के भी माँ बाप को, उनके भी माँ बाप, उनके मतलब सबके बाप को गाली दी, माँ सीता प्रभु श्री राम को गाली मतलब मजाक उड़ाया स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे, जो हिंदू मरे थे जो कार सेवा करके आ रहे थे, जो हिंदू मारे गए जलाए गए ट्रेन में, उसका मजाक उड़ाया। एक सेकंड, हाँ भाई विराट फेम क्या हंस रहा था भाई तू इस बात पे, कार सेवा वाली बात पे माइक खोल। मैं इसलिए हंस रहा था मैं इनकी, तब जब फुकरा ने ऐसा कुछ बोला नहीं तो उस टाइम फुकरा के खिलाफ फालतू की ने, अरे चूतिया सुन भाई फुकरा के लिए क्यों इसने ऐसा नहीं बोला, फुकरा के लिए क्यों किया, क्या बात चल रही है
नहीं करा सपोर्ट, नहीं करा तो भाई फुकरा के लिए क्यों बोला, मेरे को दुखी इससे। हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे ना, हम किसी को सपोर्ट करेंगे, पर फुकरा के लिए फालतू नेगेटिव चीजें क्यों, तेरे से कह रहा हूं फालतू नेगेटिव चीजें फुकरा के लिए मत भाई मत दे मत कर। तेरे को कोई इनवाइट किया गया भाई, हम आप भले किसको सपोर्ट करना करो, पर फुकरा के खिलाफ नेगेटिव चीजें फैलाकर फिर उसके बाद उसके फैला दी उसके सपोर्टरों को, फिर ये मत बोलो कि तुम क्या करो, उनका मन जो करने दो, पर लेकिन आप फिर वो कर दो उसके सपोर्टरों को, ऐसे मत बोलो। तेरा नाम क्या, एक सेकंड, भाई मेरा नाम कुछ भी हो लेकिन आप फुकरा के नाम नहीं बता, अरे भाई नाम बताने के गांड में दम नहीं, अरे भाई गाली 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 से बात मत कर भाई, मैं खुद हिंदू हूँ मुझे पता है गाली, भाई मैं अब मैं समझता हूँ हमारे गाली से बात करने से कुछ नहीं होगा, गाली मेरे को देना आती है, हिंदू है तो यहाँ पे अभिषेक भाई मुझे भी गाली देना आती है भाई, आप गाली कितनी चुप बे, गाली कुछ बोला अभिषेक।